राधे राधे जय श्री कृष्णा। आइए आज हम फाल्गुन मास का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए महादेव जी की प्रमुख प्रमुख पांच कहानियां सुनेंगे। अगर आप फाल्गुन मास का स्नान कर रहे हैं, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं, तो आपको महादेव जी की और पार्वती जी की इन पांच कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको फाल्गुन मास के पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। आइए अब हम फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली महादेव जी की प्रमुख प्रमुख पांच कहानियां सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम पहली कहानी सुनते हैं। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां वन, उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुछ दिन पार्वती के साथ उसी नगर में रहने की सोची। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की बहुत इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव और माता पार्वती जी चौसर खेलने के लिए बैठ गए। अभी उन्होंने खेलना प्रारंभ ही किया था कि मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी को अपने पास बुलाया और कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर का खेल खेल रहे हैं। चौसर के खेल में से हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी मनीमन सोचने लगा कि त्रिलोकी नाथ को जिता दूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। पुजारी ने एक पल सोचे बिना झट से उत्तर दिया, चौसर के खेल में तो त्रिलोकी नाथ जी ही जीतेंगे। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ करने के लिए चला गया। थोड़ी देर तक माता पार्वती और शिव जी चौसर खेलते रहे। खेल में महादेव जी की पराजय हो गई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोड़ी होने का शाप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत पर लौटकर आ गए। पार्वती के शाप से कुछ ही देर में उस पुजारी का पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की शिकायत करी तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी होने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उस जगह उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। इस तरह कोढ़ी पुजारी को भीख मांगकर बहुत दिन हो गए। एक दिन स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर उन अप्सराओं को उसके ऊपर बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के द्वारा शाप देने वाली पूरी कहानी सुनाई। शाप की बात सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। तुम 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करो। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारा रोग सब दूर हो जाएगा और तुम्हें निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी। पुजारी ने अप्सराओं से कहा कि लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि नहीं मालूम। उसकी बात सुनकर अप्सराओं ने उसे 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना, आधा सिर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करना, फिर घी का दीपक जलाना, गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पूंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना, शेष 2 भाग को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ बनाकर उसका चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाना और उस प्रसाद को सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, शिव महापुराण का महात्म्य सुनना, इससे भगवान शिव तुम्हारे इस कोढ़ को दूर कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी।
ऐसा कहकर वह सभी अप्सराएं वापस स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ दूर हो गया और राजा ने पुनः उसे मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी उसी मंदिर में आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। तब पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी और माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय के लौट आने के अनेक उपाय कर चुकी थी लेकिन कार्तिकेय लौट कर नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना मांगी। व्रत समापन के तीसरे दिन एक दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं आपके पास वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा का महात्म्य सुनाया। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी था। वह मित्र वापस नहीं लौट रहा था। उस मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत की विधि माता पार्वती जी से पूछी। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना करी। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र ने लौट कर आने पर कार्तिकेय से पूछा कि हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मैं परदेश से तुम्हारे पास लौट आया और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की कामना करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत समापन पर तुमने आकर मेरी मनोकामना भी पूरी कर दी। ब्राह्मण मित्र 16 सोमवार व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि पूछी और उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकल गया। कुछ दिनों के बाद वह एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर में भव्य सजावट देखकर ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर रचा जा रहा है। स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हैं। स्वयंवर की शर्त यह है कि जब हतिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी को उसी से विवाह करना होगा। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश उस महल में पहुंच गया। वहां पर विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य आभूषण पहनकर ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लेकर वहां आई। उस हथिनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारी के आगे चलती हुई हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन आभूषण देकर विदा कर दिया और वे अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य या व्रत किया? आप ऐसे कौन से देवता की पूजा करते हैं जिससे कि उस हतिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय द्वारा 16 सोमवार वाली पूरी बात बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और उसने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मुझे भी एक सुंदर स्वस्थ पुत्र प्राप्त हो। दोनों 16 सोमवार की समाप्ति होने पर
राजकुमारी को भी गर्भ ठहर गया और नवे महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। जब पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया। पुत्र के प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा कि बेटे, मैंने 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया था, सो भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत का महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम विष्णुदत्त रखा। विष्णुदत्त जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत के समापन पर विष्णुदत्त घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के राज्य मंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने विष्णुदत्त को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदत्त से उसके माता पिता के संबंध में पूछा और वे उसे अपने महल में ले गए। वृद्ध राजा ने विष्णुदत्त को पसंद कर लिया और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से विष्णुदत्त महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद राजा का निधन हो गया तो उस विष्णुदत्त को उस नगर का राजा बना दिया। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से विष्णुदत्त राज्य का अधिकारी बना। राजा बनने के बाद विष्णुदत्त विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर तुम शिव मंदिर में पहुंच जाओ, लेकिन उसकी पत्नी ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी और वह राजकुमारी स्वयं मंदिर में नहीं आई। जब विष्णुदत्त ने भगवान शिव की पूजा करी तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। ऐसी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा और तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर विष्णुदत्त बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी को बंदी बना करके इसे दूर नगर में छोड़ आओ। सैनिक राजकुमारी को बांधकर जब ले जाने लगे तो राजकुमारी ने शोर मचाया। मंत्रियों ने भी राजा से प्रार्थना करी कि हे राजन, इसी राजकुमारी के कारण आपको यह राजगद्दी मिली है और आप इसे महल से निकाल रहे हैं। राजा ने उन्हें आकाशवाणी वाली बात सुनाई, वह भी भगवान शिव के प्रकोप से शांत हो गए। सैनिक राजकुमारी को समीप के नगर में ले जाकर के छोड़ आए। महलों की रानी राजकुमारी भूखी प्यासी उस नगर में इधर उधर भटकने लगी। तभी राजकुमारी को एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, यदि तू मेरा सूत उठाकर बाजार में पहुंचा देगी तो सूत बेचने में मेरी मदद कर देगी तो मैं तुम्हें धन दूंगी। राजकुमारी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर से आंधी चली, गठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। राजकुमारी को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे चले जाने को कहा और मनी मन दुखी होती हुई बुढ़िया राजकुमारी को भला बुरा कहती हुई घर लौट गई। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर राजकुमारी को घर में रहने के लिए एक जगह दे दी, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक कर चटकने लगे और फूटने लगे। तेली ने भी राजकुमारी को मनहूस जानकर उसे घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी राजकुमारी वन में जा रही थी, तब उसे प्यास लगी तो वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी। जैसे ही उसने सरोवर में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो पूरा सरोवर सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई राजकुमारी आगे चल दी। चलते चलते जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था जो निर्मल जल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारी वापस पानी पीने के लिए गई। जैसे ही राजकुमारी ने सीढ़ियां चढ़कर जल को स्पर्श किया, उसी समय उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी दुखी हो गई और गंदे जल को पीकर उसने अपनी प्यास शांत करी। दोपहर की धूप से परेशान होकर राजकुमारी ने एक पीपल की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा। उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूट कर बिखर गए और वह पेड़ सूख गया। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो वह पेड़ जल गया। रानी तीसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो वह पेड़ गिर गया।
यह देख वहां पर गायों के चरवाहे और ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले ने उन मनहूस राजकुमारी को पकड़कर समीप के मंदिर पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गया कि यह कोई बड़े घर की नव युवती है, दुर्भाग्यवश यह दर दर भटक रही है। पुजारी ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को कुछ तसल्ली मिली। राजकुमारी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती और आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू हो जाती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित हुआ। उसने कहा कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, तुझसे कोई देवता नाराज है, तभी तुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। पुजारी की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने पति के आदेश में मंदिर में न जाने और शिव की पूजा में शामिल न होने वाली बात बताई। पुजारी ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है, कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे और तुम्हारे सारे दुख सुखों में बदल जाएंगे। पुजारी की बात मानकर राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव जी की पूजा करी, कथा कहानी सुनी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति विष्णुदत्त को रानी की याद आई। उसने अपने सैनिकों को अपनी राजकुमारी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में आए और उन्होंने राजकुमारी को महल में चलने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया। सैनिक निराश होकर वापस महल में लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को पूरी बात बताई। राजा विष्णुदत्त स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल में ले जाने के लिए पुजारी से क्षमा मांगने लगे। पुजारी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी ने समझा बुझाकर रानी को विदा कर दिया। राजा विष्णुदत्त के साथ रानी महल में पहुंची। महल में खुशियां वापस आ गई, पूरे नगर को सजाया गया। प्रजा के लोगों ने उस दिन को दिवाली की तरह मनाया। पूरे घरों में दीपक से रोशनी करी गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को खूब अन्न वस्त्र धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र और अन्न बांटे गए। राजकुमारी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार का व्रत करने, कथा सुनने और महाशिव पुराण का महात्म्य सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहता। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं और मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक नामी महात्मा जी पहुंचे। गांव वाले सभी महात्मा जी के उपदेश सुनने पहुंचे। उसी गांव में एक आदमी था, उसने कभी कोई दान पुण्य व्रत नहीं किया था, वो ठग था। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप भी महात्मा जी के दर्शन कर आइए, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं, आप भी उनको सुनकर आइए। तो एक दिन ठग महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी उसे देखते ही समझ गए कि ये इंसान कभी मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा होगा। ठग महात्मा जी के पास बैठ गया। ना तो उसने महात्मा जी को नमस्कार किया, ना ढोक लगाई और ना ही कोई दक्षिणा चढ़ाई। फिर भी महात्मा जी उसे देखते ही मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ किस लिए आए हो? ठग बोला, मेरी पत्नी ने कहा था महात्मा जी के दर्शन कराओ, तो मैं आ गया। तब महात्मा जी फिर से मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, बेटा क्या तुम कोई व्रत उपवास भजन पूजन करते हो? तो ठग बोला, महाराज मेरे पास इन सब चीज़ों का समय नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोज शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करो और दीपक किया करो। लेकिन ठग ने कहा, नहीं महाराज मेरे पास समय नहीं है। तब महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, फिर तुम ही बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो ठग बोला, मेरा पड़ोसी रोज शिव जी के मंदिर में दीपक करने जाता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोज उसके जलाए हुए दीपक को मंदिर में जाकर बुझाकर आ जाऊँगा। एक बार तो महात्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध को काबू में किया
और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद महात्मा जी ने सोचा, कोई बात नहीं, इस बहाने ही सही मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन तो करेगा। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ऐसा ही करना, लेकिन इस नियम को तोड़ना मत। रोज ये काम करके ही तुम खाना खाया करो, नियम बना लेना। उस दिन से उस ठग ने एक नियम बना लिया। जब उसका पड़ोसी शिवजी के मंदिर में दीपक जलाकर मंदिर से बाहर निकल जाता, तब वह मंदिर में जाकर उस दीपक को बुझा देता, घर आकर खाना खा लेता और अपने काम करने लग जाता। लेकिन एक दिन जब उसका पड़ोसी दीपक करके बाहर आया, ठग मंदिर में गया तो दीपक पहले से ही बुझा हुआ था। उस दिन शिवरात्रि थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, उसे किसी और का दीपक बुझाने का मौका नहीं मिला। वह पूरे दिन वहीं बैठा रहा भूखा प्यासा। शाम हो गई, रात हो गई, मंदिर में रात्रि जागरण था। वह पूरे समय दीपक बुझाने का मौका तलाश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। लोगों ने समझा कि यह जागरण करने बैठा है, भगवान का भक्त है। इस तरह शिवरात्रि को उसका उपवास हो गया। इस तरह कई बरस बीत गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी दिन उसके पड़ोसी की भी मृत्यु हुई। दोनों को यम के दूत नरक में ले गए। तब शिवजी के गण यमलोक में पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज, आपके दूत गलती से इस आदमी को नरक में ले आए हैं, इसे तो स्वर्ग में जाना है। तब यमराज बोले, अरे ये तो ठग है, इसने तो पूरी उम्र गलत काम किया है, कोई दान पुण्य भी नहीं किया, न कोई पूजा पाठ की है। हाँ, आप इसके पड़ोसी को ले जा सकते हो, ये स्वर्ग में जाने का पात्र है। तब शिवजी के गण बोले, नहीं महाराज, इस ठग ने शिवजी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पूरे 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर मंदिर में जागरण में पूरे टाइम रहा, इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी है, इसका पड़ोसी भी स्वर्ग का अधिकारी है। तो इस तरह से उस ठग ने पूरी उम्र कभी कोई पूजा पाठ नहीं की, ना कोई व्रत उपवास किया, सिर्फ एक बार जीवन में उसने शिवरात्रि को जागरण में बैठा भूखा प्यासा रहकर उपवास हो गया, तो उसे स्वर्ग का वास मिला। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था, उसे औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने जाता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ देते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे होगा, कौन हमारे पुत्र को अपनी लड़की देगा, कैसे हम अपने बेटे का विवाह देख पाएंगे, कब हमारे पुत्र का विवाह होगा, कब पोते पोती होंगे और कब हम पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे। तब एक बार सावन अधिक मास का महीना लगा तो बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने सावन अधिक मास के सोमवार का व्रत किया। उसने अपने पुत्र से भी व्रत करने को कहा। बुजुर्ग ब्राह्मण ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा और व्रत किया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ, एक अच्छी सी बेटे को नौकरी लग जाए, बस यही चाहता हूँ। हे महादेव जी, मेरे सावन अधिक मास के सोमवार के व्रत का फल मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब कैलाश पर बैठे महादेव और पार्वती जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने ग्वाला और ग्वालन का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए और कहा कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में दूसरे देश से यहाँ आए हैं, क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर पर आसरा मिलेगा। तो ब्राह्मण दंपति ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने माँ बाऊजी से बोला कि माँ बाऊजी, मुझे तो 3 जनों जितना ही आटा दाल राजा के यहाँ से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे।
तब ग्वाले वेश में महादेव जी बोले कि पुत्र तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी वही। उस दिन राजा के यहाँ से भोला शंकर को ज्यादा आटा, दाल, घी, चावल और गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई, सबने भोजन किया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर बार बार एक ही बात बोलने लगे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से यहाँ तक कह दिया कि बेटी तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट बने भी क्यों न, भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ग्वाले से बोला कि बेटा मुझे अपने पुत्र भोला शंकर की बहुत चिंता है, कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा। तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, जिसके सिर पर महादेव जी की कृपा हो उसके सभी काम सिद्ध ही होते हैं। उस दिन ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र तुम कल राजा की बेटी को जो कथा मैं सुनाऊं वो ही जाकर सुनाना। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि माँ पिताजी, आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी आप इस ब्राह्मण से पता करिए कि इसे यह कहानी किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हे महाराज, मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालन आए हुए हैं, उन्होंने ही यह कथा मुझे सुनाई। राजा रानी और राजकुमारी उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर उनके घर पहुँचे। तब राजा रानी और ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो ग्वाला और ग्वालन दिखाई देते, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ था कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला तभी से वह महादेव जी की कथा कहानियों और महात्म्य को श्रद्धा और सच्ची लगन से सुनती थी, जबकि भोला शंकर जो कथा उसे सुनाता मात्र बदले में दक्षिणा मिलेगी यह सोच कर सुनाता था। इसलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दर्शन दीजिए। आज मुझे उन्हीं की वजह से आपके दर्शन हुए हैं। तब साक्षात महादेव और पार्वती जी सभी को दिखाई देने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्राह्मण ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण नहीं, कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के पाप के बारे में बताइए। तब महादेव जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। पुरुषोत्तम मास में तुमने गरीबों और जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इसका दोष लगा है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में अन्न, वस्त्र, मालपुए का दान नहीं करता,
उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों ने पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा करी थी, इसलिए इस जन्म में तुम दोनों की मुझ में भक्ति और प्रीति रही। यही कारण है कि तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हें इस जन्म में उस पाप दोष की सजा मिली है। उसके बाद राजकुमारी ने महादेव जी से अनुरोध किया कि हे देव, जो कथा आपने भोला शंकर को सुनाई थी, वही कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें उसी कथा को सुनाइए। तब महादेव जी ने एक दिन पहले जो भोला शंकर को कथा सुनाई थी वह इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है? इसका क्या रहस्य है? क्या भविष्य है? हे देव, कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम्ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सर्व निरर्थक और निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा। महादेव जी बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयत्न करना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, जब तुम कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गोरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो, तो यही प्रेम है। और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें कोई और स्वीकार नहीं, यही तो प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर विजय की जो प्रसन्नता मैं देखता हूँ, उससे मुझे अपार खुशी मिलती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, यही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर पांव रखा था, तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ, तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार, अनेक बार शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन और आशीर्वाद देती हो, यही प्रेम है। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान जाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे ही योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुनी। भगवान महादेव ने यही कथा एक दिन पहले ब्राह्मण पुत्र भोला शंकर को सुनाई थी और भोला शंकर ने यही कथा राजकुमारी को सुनाई थी। कथा सुनाने के बाद महादेव और पार्वती जी सभी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह कर लिया। राजा ने ब्राह्मण दंपति और उनके पुत्र को बहुत सारा दान दहेज दिया, साथ ही अपने जवाई को सलाहकार मंत्री बना लिया। हे महादेव और पार्वती जी, जैसे आपने एक ब्राह्मण दंपति को और उसके पुत्र को पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को,
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। ब्राह्मण का नाम जयदेव और ब्राह्मणी का नाम जया था। दोनों बहुत ही आस्था वाले और सदृश थे। वे अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अपने दरवाजे से किसी को भी भूखा जाने नहीं देते थे, इसलिए सभी बातों से वह सुखी थे। लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे। वे इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक बार नारद जी घूमते घूमते उस ब्राह्मण दंपति के घर पहुंच गए। ब्राह्मण दंपति ने नारद भगवान का आदर सत्कार किया। नारद जी उनके आतिथ्य से प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना हाल चाल बताइए। तब उस ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से हम बहुत सुखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बालक की कमी है। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हे देवऋषि, आप हमें इसका कोई उपाय बताइए ताकि हमें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब नारद भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मनुष्य के पास अपार संपत्ति हो और उसको खर्च करने वाला कोई न हो, यह एक सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाना। वहाँ एक घनघोर जंगल है। वहाँ एक अपूज्य शिवलिंग दिखाई देगा। उस शिवलिंग की आज तक किसी ने पूजा नहीं करी, लेकिन तुम दोनों वहां जाकर उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजा करना। भगवान शंकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि वापस अपने लोक में चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी दोनों ब्राह्मण दंपति उठे और नारद जी के बताए अनुसार दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई और वे एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां देखा कि एक उजाड़ शिव मंदिर था। शिव मंदिर को देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां रहने तथा शिव जी की पूजा करने का निश्चय कर लिया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने उस उजाड़ मंदिर की साफ सफाई करी, पूरे भक्ति भाव और निस्वार्थ भाव से शिवलिंग का पूजन करने लगे। बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, जिससे उनको और भी चिंता सताने लगी। दोनों विचार करने लगे कि क्या हमारी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई है, क्या भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। फिर वे दोनों श्रद्धा पूर्वक फिर से शिव जी की पूजा में लीन हो गए। एक दिन वह ब्राह्मण घने जंगल में फूल बीनने के लिए चला गया तो वह वापस नहीं लौटा। इससे ब्राह्मणी को बहुत चिंता हुई। वह घबराई और पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में एक झाड़ के नीचे देखा तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था, जो सर्प के काटने से मरा था। पति की यह हालत देखकर वह जोर जोर से रुदन करने लगी। तभी वहां आकाश मार्ग से माता पार्वती विचरण करती हुई वहां पहुंच गई। उन्होंने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को सर्प के काटने वाला वृतांत कह सुनाया। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं अभी तेरे पति को जीवित कर देती हूँ। यह कहते ही पार्वती जी ने ब्राह्मण के मृत शरीर पर अमृत का छींटा दिया, जिससे वह ब्राह्मण अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया और साक्षात माता पार्वती को सामने देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा।
और जोर जोर से रोने लगा। माता पार्वती जी ने उन दोनों ब्राह्मण दंपति से पूछा कि तुम दोनों यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रहे थे। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने नारद जी वाली पूरी बात बताई और कहा कि हम यहाँ निर्जन वन में भगवान महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और वहीं रहते हैं, और एक पुत्र की कामना वाली बात भी बताई। माता पार्वती उनकी बात सुनने के बाद बोली कि हे ब्राह्मण देव, अब तुम दोनों पति पत्नी जया पार्वती का व्रत करो, जिससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब ब्राह्मण दंपति बोले कि हे माता पार्वती, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है यह हमको मालूम नहीं है, कृपा करके आप हमें इस व्रत की विधि बताइए। माता पार्वती ने कहा कि यह व्रत आषाढ़ की उजली रात से धारण करके अंधेरी तीज को पूरा करना चाहिए। व्रत के समय गुड़ और नमक नहीं खाना चाहिए। एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अंतिम दिन जागरण करके शिव और पार्वती के भजन कीर्तन और स्तुति करें। इस तरह व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति होती है और स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। ऐसा कहकर माता पार्वती ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस अपने घर आए और जया पार्वती का व्रत धारण किया। इसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत प्रसन्न हुए और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में बिता दिया। और उस ब्राह्मण दंपति ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी जया पार्वती का व्रत करें, जिससे कि निसंतान व्यक्ति को भी संतान का सुख प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली महादेव जी की 5 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।